नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में संदिग्ध ट्राली बैग होने की सूचना पर जंक्शन पर ट्रेन रुकवाकर राजकीय रेलवे पुलिस ने बैग को जब्त किया। तलाशी लेने पर उसमें 2,10,000 रुपए कीमत का 13 किलो 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तस्करी की आशंका व्यक्त करते हुए जीआरपी ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाड़ी संख्या 1810 जम्मू तवी एक्सप्रेस गुरुवार को टाटा नगर से चलकर जम्मू तवी जा रही थी। इटावा स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन में चल रहे कार द्वारा कोच नंबर M4 में संदिग्ध ट्राली बैग रखा देखा गया, जिसके संबंध में यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने बैग के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। बैग में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका पर कंट्रोल के जरिए जीआरपी को सूचना जो है वो दी गई। थाना प्रभारी शैलेश निगम के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह एवं आरक्षी रविंद्र कुमार व अनीश कुमार ने इटावा जंक्शन पर ट्रेन के रुकने पर ट्रॉली बैग को कब्जे में लिया और उसे स्टेशन के पुराने पुल के नीचे ले जाकर चेक किया। बैग के खुलने पर उसमें 6 बंडल में 13 किलो 90 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ। प्रभारी निरीक्षक शैलेश निगम ने बताया कि आशंका है कि ट्रॉली बैग से बरामद हुआ गांजा तस्करी कर ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रेन में पुलिस गार्ड को देखकर तस्कर छिपकर निकल भागा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।